जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली से। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले का स्वागत किया। तेजस्वी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जगह लालू यादव ने ही ली है और लालू यादव ने ही कर्पूरी ठाकुर के काम को आगे बढ़ाया। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने गरीबों को जुबान देने का काम किया। आदरणीय लालू जी का संघर्ष रहा, उनके नेतृत्व में लालू जी ने काम किया और बाद में लालू जी ने उनकी जगह को लिया, लोगों ने उनको स्वीकार किया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, नेता विरोधी दल बनाया और कर्पूरी जी के काम को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। लोग कह सकते हैं, लोग मानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हो, जमाने में कोई छोटी जाति के लोग हों तो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुआं से पानी जो नहीं निकाले दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश से मनाही थी और बड़ा मजदूरी लोग कराता था, लेकिन उस हिसाब से पैसा गरीबों को नहीं देते थे। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है उस समय सभी नेताओं ने लड़ने का काम किया, तो हम आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने, तुम पुरानी मांग रही है लेकिन आपने कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जो है जन जन तक पहुंचाया और लोगों में ऊर्जा देने का काम किया, एक चेतना पैदा करने का काम किया कि अपने अधिकार को जानो। आज बिहार में कहीं भी गरीब तबके में चले जाइए, दलित समाज में चले जाइए, अति पिछड़े समाज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वंचित शोषित समाज के बीच जाइए, अगर पूछेगा कि आपको जुबान किसने दी तो एक ही नाम है, लालू प्रसाद यादव। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने मजबूरी में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी वाले तो पहले कर्पूरी ठाकुर को लेकर अनाप शनाप कहते थे, लेकिन समाजवादियों के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा। तेजस्वी ने राम मनोहर लोहिया और काशीराम को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। आश्चर्य की बात है, ये कोई भाजपा वाला लोग भी नहीं सोचा होगा, वही भाजपा वाला लोग जो कर्पूरी जी को गड़ियाता था आज फूल माला लेकर के खड़ा है, कल पटाखा फोड़ रहा था, ये है समाजवादियों की जीत। अरे ये बिहार है बिहार, हम लोग पहले भी कहते कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए लेकिन बिहार में चलने वाला, ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तो ये लोग तो करता रहता है। चलिए अच्छी बात है, कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशीराम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। बिहार में अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर ही रहे, इसलिए उनकी सियासत की विरासत पर कब्जा करने की राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा ये अति पिछड़ा समाज ही तय करेगा। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर एक बड़ी लकीर खींच दी है, अब सभी दलों को उस लकीर के पीछे ही चलना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।